पाकिस्तान टीम को मिल गया राशिद खान से भी खतरनाक गेंदबाज। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान टीम में शामिल हुआ क्रिकेट जगत का सबसे खतरनाक गुगली मास्टर। जी हां दोस्तों, आखिरकार कौन सा है वो धाकड़ खिलाड़ी जो करता है राशिद खान से भी खतरनाक गेंदबाजी और हुआ है पाकिस्तान की टीम में शामिल। बताएंगे आपको उस खतरनाक गेंदबाज का नाम इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले, अगर आप भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन और चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम इस बार वर्ल्ड कप अपने नाम करे, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान की टीम फिलहाल न्यूजीलैंड के साथ अपने घरेलू सरजमी पर 5 मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है। आपको बता दें कि इस वनडे सीरीज में पाकिस्तान की टीम ने अभी तक दमदार प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान की टीम इस सीरीज में अभी तक गेंद और बल्ले दोनों से कमाल का प्रदर्शन कर रही है। बल्लेबाजों ने अपना काम बखूबी निभाया तो गेंदबाजों ने भी रही सही कसर पूरी कर दी। इस तरह से पाकिस्तान की टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 मैचों के बाद 4-0 की बढ़त बना ली है। फिलहाल आखिरी वनडे मुकाबला खेला जाना बाकी है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच शुक्रवार 5 मई को खेले गए चौथे वनडे मुकाबले के दौरान पाकिस्तान की टीम को एक ऐसा खिलाड़ी मिल गया है जो इस बार पाकिस्तान की टीम को वनडे वर्ल्ड कप का खिताब भी दिला सकता है। दरअसल हम जिस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि उसामा मीर है। उसामा मीर ने चौथे वनडे मुकाबले में तहलका मचा दिया। उसामा मीर की गुगली गेंदों पर न्यूजीलैंड के बल्लेबाज नाचते हुए नजर आए। उसामा मीर की गेंदबाजी हूबहू अफगानिस्तान के गेंदबाज राशिद खान की तरह हो रही थी। उसामा मीर ने न्यूजीलैंड के 4 खतरनाक बल्लेबाजों को पेवेलियन का रास्ता दिखाया। उसामा मीर के खाते में 4 की जगह 7 विकेट होते, हालांकि कैच ड्रॉप और मिस फील्डिंग की वजह से 4 विकेट ही वो अपने नाम कर पाए। भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में उसामा मीर सबसे खतरनाक गेंदबाज साबित हो सकते हैं। आपके मुताबिक उसामा मीर को पाकिस्तान की वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल होना चाहिए या नहीं, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।